सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस सीटें नहीं मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद की मखसूस नशस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और दीगर दरख्वास्तों पर महफूज किया गया फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने 4-1 के तनासुब से फैसला जारी किया। मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना ने इख्तिलाफी नोट लिखा। फैसले में कहा गया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ख्वातीन और अकलियतों की मखसूस नशस्तों के कोटे की मुस्तहिक नहीं। इस्तेकाम यकजहती और खुशहाली के खातिर अंजाम दूंगा। यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। अपने फराइज की कमा हक को हूँ। अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो। अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। शहबाज शरीफ ने 24वें वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ उठा लिया। बानी सदर में सदर आरिफ अलवी ने हलफ लिया। तकरीब में सियासी और अस्करी क़यादत शरीक नवाज शरीफ मरियम नवाज और शरीफ फैमिली के दीगर अरकान की शिरकत। वज़ीर आज़म हाउस पहुँचने पर शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुसल्ला फाश के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म से अमले का तारुफ कराया गया। नून लीग की वफाकी काबीना की तश्कील पर मुशावरत शुरू। साफदार को वज़ीर ख़जाना बनाने पर गौर। एहसन इकबाल को वज़ीर दाखला, ततारड़ को वज़ीर इत्तला'आत बनाने का इम्कान। ख्वाजा आसिफ को वजारत दिफा का कलमदान सौंपा जा सकता है। मुसद्दिक मलिक पेट्रोलियम की वजारत, हनीफ अब्बासी को वजारत सेहत देने पर गौर। 3 मराहल में 46 रुकनी काबीना तश्कील दी जाएगी। महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, गुर्बत की वजह से तंग आ चुके हैं। अगर आपको वोट दिए हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं दिए हैं कि आप यहां आके गाली दें। अगर आपको वोट मिला है तो सिर्फ इसलिए नहीं दिया है कि यहां आके आप शोर शराबा करें। अगर पाकिस्तान की अवाम ने आपको वोट दिया या मुझे वोट दिया या इनको वोट दिया तो सिर्फ इसलिए कि हम इनको इस मुआशी बहरान से बचाएं। सानेहा 9 मई पर चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म से मुतालबा। कहा कमीशन गुनहगारों को सजा, बेगुनाहों को रिहा करने का फैसला करे। सब कमीशन के फैसलों को तस्लीम करें। कौमी असम्बली में खिताब में चेयरमैन पीपी बोले, जब तक सियासतदान एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे कोई और नहीं करेगा। जमहूरी इदारे को ताकतवर बनाएंगे, निज़ाम को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। 18 वजारतें सूबों को मुंतकिल होनी चाहिए। वजारतों का खर्चा 328 अरब रुपए बनता है। विफाक के ब्यूरोक्रेट कहते हैं सूबों की वजह से दिवालिया हो चुके है कि जान बूझ के किसी ने उस साइफर को, उस साइफर की एलिजिड कॉपी को इंटरनेशनल पब्लिकेशन में प्रिंट किया। पिछले 3-6 महीनों से इनको जमहूरियत और आईन याद आ रहा है। वो लेक्चर देना चाहे तो एक दूसरा को लेक्चर दे, वो हमें कम से कम लेक्चर ना दे। बानी पीटीआई ने खुद कहा साइफर की कॉपी खो गई, ये कॉपी दुश्मन को मिल जाए तो वो हमारे कोड ट्रैक कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो की कौमी असम्बली में कड़ी तनकीद। कहा बानी पीटीआई ये सब जानते थे, एहतजाज करने वालों को कुछ दिनों से जमहूरियत और आइन याद आ रहा है, इनको जवाब देंगे, झूठ बेनकाब करेंगे। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, बार बार मुदाखलत करते रहे। इल्जाम लगाए और हम जवाब नहीं देंगे। जनाब स्पीकर, हम जवाब देंगे, इनका झूठ को एक्सपोज करेंगे। मैं हुकूमत से मुतालिबा करता हूं कि अगर इसमें वो हकीकत समझती है, सच्चाई समझती है तो आए कि इसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाए, जुडिशियल कमीशन बनाए और फिर हकीकत सामने आ जाएगा। साइफर पर जुडिशियल कमीशन बनाए, तहकीकात कराए, साइफर को बुनियाद बनाकर बानी पीटीआई को सजा दी गई। असद कैसर कहते हैं हमारा लीडर झुका है और ना झुकेंगे, कोई समझौता नहीं करेंगे। पैगाम देता हूँ, डर और खौफ का वक्त गुजर चुका। इंतहाबी धांधली पर आला अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा। बोले हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जमहूरियत का दर्ज देने वाले अपने गिरेबान में झाके। हमें ये कहा गया कि हमारी शनाख्त फॉर्म 47 है, फॉर्म गलत लगा दिया। हमारी शनाख्त 9047 है, 47 ही 9047 हमारी शनाख्त है और फॉर्म 45 हमारे पास है।
हमारी शनाख्त फॉर्म 47 नहीं 1947 है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का खिताब, कहा मौशी बहरान से ज्यादा नियतों का बहरान है। टैक्स लगाना है तो जागीरदाराना निज़ाम पर टैक्स लगाएं। खालिद मकबूल सिद्दीकी की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। एमकेएम रहनुमा बोले, शोर शराबे और एहतजाज से लग रहा है जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। महमूद खान अशकज़ई का एहतराम करता हूँ, लेकिन बात अगर ज़ातियात की होगी तो बहुत दूर तक जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का कौमी असेंबली में खिताब, शहबाज शरीफ ने स्पीकर रियाज़ सादिक से दरख्वास्त की कि इनके अल्फाज हज़फ कर दें। मुल्क का नया सुप्रीम कमांडर कौन होगा? आसिफ सरदारी और महमूद अशकज़ई मद्दे मुकाबल। आसिफ सरदारी की कागजात नामजदगी मंजूर। फारूक एशनाई के मुताबिक कागजात नामजदगी पर कोई एतराज़ आयद नहीं किया गया। नंबर पूरे हैं, आसिफ सरदारी दूसरी मरतबा सदर मुंतखब होंगे। महमूद खान अशकज़ई के कागजात नामजदगी पर एतराज़, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। 9 मार्च को पार्लियामेंट कमीशन का इजलास होगा, इजलास में सदारती इंतखाब होगा। सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो सदालती रेफरेंस, अदालत ने समाअत के बाद राय गैर मुइना मुद्दत के लिए महफूज कर ली। रजा रब्बानी ने दलाल में कहा, भुट्टो केस के वक्त लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट टाइम के तहत काम नहीं कर रहे थे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या सुप्रीम कोर्ट सदालती रेफरेंस पर मुख्तसर दाय भी दे सकती है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आर्टिकल 187 का इस्तेमाल किया वो राय के बजाय फैसला हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में पंजाब का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान। मरीम नवाज का गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल वहदत कॉलोनी का अचानक दौरा। तालिबात वज़ीर आला को अपने दरमियान देखकर हैरान। मरीम नवाज की तालिबात से गुफ्तगू, क्लासरूम साफ रखने की तरकीब। लाइब्रेरी, बायोलॉजी लैब और स्पोर्ट्स रूम का मुआयना किया। स्कूल स्टाफ के साथ ग्रुप फोटो बनवाया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में अफगानी निशा TTP दहशतगर्दों के मुलव्वस होने की तस्दीक। 28 फरवरी 2024 के शुमाली वजीस्तान में मारे गए TTP के 6 दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से निकला। पाकिस्तान में TTP जैसे दहशतगर्द नेटवर्क को अफगान दहशतगर्दों की पुष्पनाही हासिल। TTP का अफगान शहरियों पर इंहिसार बढ़ता जा रहा है। शुमाली वजीस्तान के इलाके स्पिनबाग में पाक फौज के हाथों जानम वासिल होने वाले 6 दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल मुकम्मल। खुदकुश हमलावर की हलाकत की तस्दीक। मुल्क में कल बारिश का एक और स्पेल दाखिल होगा, महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बालाई वस्ती पंजाब में आंधी आलाबारी भी मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों और बर्फबारी से हादसा, 5 दिनों में 35 अफराद जाँ बहक, 43 जख्मी। PGMA रिपोर्ट के मुताबिक 46 घर तबाह, 346 घरों को जिसी नुकसान पहुँचा। मुख्तलिफ मकामात पर कई राबता सड़कें बहाल ना हो सकें। सयाहों और मुकामी अफराद को मुश्किल का सामना। पाक फौज की जानब से सवात और मालाखंड में शदीद बर्फबारी के बाद मुतासर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मालम चबा में लैंडस्लाइडिंग के बाद पाक फौज की टीमें सरगरम। मटा के दूर दराज गाँव में लैंडस्लाइडिंग की वजह से एक मकान गिर गया। रेस्क्यू टीम ने 7 लाशें और 2 जख्मियों को निकाल लिया। इलाके में राशन तकसीम किया गया। तर्जुमान के मुताबिक पाक फौज अवाम की खिदमत के लिए मुतहरिक है और मुकम्मल बहाली तक सवात और मालाखंड में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। जनूबी वजीरिस्तान में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मौसम खुशगवार, वादी का निगरम में सयाहों की आमद। बच्चों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। सयाह इलाके की खूबसूरती के दाद दिए बगैर ना रह सके। गाजा पर इसराइल की दहशतगर्दी जारी। रफा पर बमबारी से 11 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। 24 घंटे में 90 फलस्तीनी शहीद, 177 जख्मी। कमाल अदबान अस्पताल में गजाई की लत से 15 बच्चे चल बसे। गजा में शहादतों की तादाद 30,410 हो गई। 71,000 से ज्यादा जख्मी। हमास से लड़ाई में 3 इसराइली फौजी हलाक, 12 से ज्यादा जख्मी। 6 की हलाकत, हालत इंतहाई नाजुक। इसराइली फौज हमास का ठिकाना समझ कर एक इमारत में दाखिल हुई। इमारत में नस बारूदी मवाद धमाके से भर गया।
गजा में फौरी जंग बंदी होनी चाहिए, अमरीकी नायब सदर का मुतालबा। कमला हैरिस ने कहा फरीकैन 6 हफ्ते की फौरी जंग बंदी पर राजी हो जाएं, मुतासरा शहरियों के लिए इमदाद की तरसील को यकीनी बनाएं। कमला हैरिस के मुतालबे पर इसराइल की हर धर्मी बरकरार। कौमी सलामती के वजीर अतमार बिन वेर ने कमला हैरिस को खत्म करने की धमकी दी। वाशिंगटन में भारतीय सिफारत खाने के सामने फेंको का मुजाहरा, आजाद खालिस्तान के नारे। सिफारत खाने पर नस्ब गांधी के मुजस्मे पर खालिस्तान का परचम लगा दिया। फेंको ने भारत में किसानों पर मजालिम के खिलाफ मोदी कातिल के नारे लगाए। भारत गैर मुल्की सयाह खवातीन के लिए इंतहाई गैर महफूज। जिनसी ज्यादती के केसेस में भारत दुनिया भर में सर फहरिस्त। हुकुम मार्च को झारखंड में हस्पानवी ब्लॉगर खातून से गैंगरेप। हस्पानवी जोड़े के कैंप पर 7 अफराद ने हमला किया, गैंगरेप के बाद सामान भी लूट लिया। कैलिफोर्निया में फायरिंग से 4 अफराद हलाक। कैलिफोर्निया के शहर किंग सिटी में पार्टी के दौरान फायरिंग से हलाक होने वालों में खातून शामिल, फायरिंग से मुतासिर जख्मी। PSL 9 के मार के आज एक मैच खेला जाएगा। पिशावर जलमी और इस्लामाबाद यूनाइटेड मद मुकाबले आएंगे। गुज़िश्ता रोज़ मुल्तान सुल्तान कराची किंग्स को 20 रन से शिकस्त थी। कराची इवेंट में 4 मैच हार चुका। टेबल पॉइंट्स पर सुल्तान्स का राज बरकरार, प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई। कराची में होटल मालिक की दलीली, लुटेरों के इरादे नाकाम बना दिए। लूटमार के लिए आज मुलजमान बंदूक देखकर भाग निकले। एक मुलजिम गिरफ्तार। 24 फरवरी को पेश आए बाकी की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। आज़ाद कश्मीर के इलाके चढ़ोई में 2 असदेहे निकल आए। वाइल्ड लाइफ कोर्टी ने असदेहे पकड़ लिए, बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। हुकाम का कहना है ये असदेहे जहरीले नहीं, इंसानों के लिए खतरनाक नहीं। बड़े चैनल पर बड़ा मुकाबला, बोल की रमजान ट्रांसमिशन। रमजान में बोल, मारूफ फनकार साहिल लोधी की बेमिसाल मेजबानी में ऑडिशन का आगाज। बच्चों, जवानों, बुजुर्गों की शिरकत, अवाम की भरपूर शिरकत देखते हुए साहिल लोधी ने ऑडिशन की तारीख बढ़ा दी। ट्रायल 8 मार्च तक होंगे। हैप्पी बर्थडे कुरातुलैन बलोच। हम सफर गर्ल ने जिंदगी की 36 बहारें देखी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।